हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उसे एक्सरसाइज दा एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद जीरो लीडिंग डायगोनल एंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जी आ ट्रायंगल दोनों सॉरी मैट्रिक्स जी दिती हुई है इसनों तुसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूप के लिखना है। मान लो थोड़े को आ वाली जो ट्रायंगल है सॉरी ए वाली जो मैट्रिक्स है ये लिख लो तुसी ए, तो तुसी करना की है इस क्वेश्चन दे विच तुसी ये लिखना है ए इक्वल टू एल प्लस यू। एल का मतलब है जी इतने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू का मतलब है इतने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद जीरो डायगनल यदा मतलब की है कि इस दे डायगनल एलीमेंट की ने सारे जीरो ते लोअर दे विच उपरले एलीमेंट भी की होंदे ने जीरो। तो मैं कोई भी आर्बिट्ररी एलीमेंट ले ले से ए बी सी। उस तो बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिती हुई है। हुण अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे विच जो थलड़े एलीमेंट होंदे ने डायगनल तो वह की होंदे ने जीरो होंदे ने। तो पी क्यू आर ए एलीमेंट हुण डायगनल तो नीचे आ गया था जीरो, ए भी की आएगा जी थोड़े को जीरो। पी क्यू आर एस टी आ एलीमेंट डायगनल थले आ गया जीरो, इतने मैं लिख लिया यू। मान लो तो देखो आ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी विद थलड़े पासे की होंगे इसके एलीमेंट डायगनल तो जीरो, लोअर के विच भी उपरले पासे जीरो होंगे ने, पर इन्हों ने कंडीशन लिखी हुई है जीरो लीडिंग डायगनल तो जीरो मैं लिखते। इस तरह थोड़े को अगला क्वेश्चन जो इस तरह का है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स प्लस एंड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स विद लीडिंग जीरोस। डायगनल एलीमेंट उस अपर के जीरो लेने ने तो तुसी आ जीरो लिख लो। ठीक है जी, हुण मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा। देखो ध्यान नाल, ए मैट्रिक्स तुहानू दित्ती हुई है 3, 5, -7, 8, 11, 4, 13, -14, 6 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं पहला लिख रहा जी एल, एल दी वैल्यू देखो 0, 0, 0, ए 0, 0, बी सी 0 प्लस इतने मैं लिख पी क्यू आर 0 एस टी 0, 0 यू। ए है थोड़े को एल, ए है थोड़े को यू। हाँ जी, हुण देखो तुहानू वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, इन्हां दी वैल्यू पता करनी है। पी हाँ जी, हुण तुसीं इन्हां दा सम करना। देखो जी 0 प्लस पी पी, 0 प्लस क्यू क्यू, 0 प्लस आर आर, ए सिमिलरली 0 प्लस एस एस, 0 प्लस टी टी, बी प्लस 0 बी, सी प्लस 0 सी, 0 प्लस यू यू। आ दोनों बराबर लिखने हैं 3, 5, -7, -8, 11, 4, 13, -14, 6 हुण देखो जी इक्वल टू का सिंबल आ गया। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर की है जी सेम है, तुसी सीधा वैल्यू तुसी फाइंड आउट कर सकते हो। मेन जदों इस तरह की कंडीशन होवे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होवे तां तुसी कोरसपोंडिंग एलीमेंट कंपेयर कर सकते हो। पी नू कंपेयर करोगे 3 नाल, पी दी वैल्यू आ गई थोड़े कोल 3, क्यू दी वैल्यू आ गई जी 5, आर दी वैल्यू आ गई -7, ए दी वैल्यू आ गई जी -8, एस दी वैल्यू आ गई 11, टी दी वैल्यू आ गई थोड़े कोल 4, ठीक है जी, बी दी वैल्यू आ गई 13, सी दी वैल्यू आ गई -14 एंड यू दी वैल्यू आ गई थोड़े को 6। ये थोड़े को जो वैल्यूज़ ने तुसी एस इक्वेशन दे विच पुट करनिया ने। मान लो इत्थे तुसी एस इक्वेशन नू नंबर देता 1। ठीक है जी, हुण मैं नीचे लिख रहा तां इत्थे ही लिख रहा। देखो ध्यान नाल, ए ए मैट्रिक्स सीगी थोड़े को, ए वाली मैट्रिक्स
बस वैल्यू पुट करनी है। देखो जीरो 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 ए की थां ते की आ गया जी माइनस एट, जीरो जीरो बी की वैल्यू किनी है जी थर्टीन, सी की वैल्यू हैगी जी माइनस फोरटीन, जीरो प्लस पी की वैल्यू हैगी जी थ्री, क्यू की वैल्यू फाइव, आर की वैल्यू माइनस सैवन, जीरो एस, एस की वैल्यू हैगी जी इलेवन, टी टी की वैल्यू हैगी जी फोर, उस बाद जीरो जीरो यू की वैल्यू हैगी जी सिक्स। तो ये तो की होगा जी फाइनल आंसर होगा। बस तुम इस एवें ही लिख के रखना है, इतने थोड़े को ए मैट्रिक्स चाहिए मैट्रिक्स पुट कर दो, चाहे इतने ए लिख दो, तो आडा फाइनल आंसर होगा। तो उन्होंने जोड़ना नहीं तुम्हें, तो यह एक क्वेश्चन इस नाल होर है, वह भी तुम खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नाल देख सकते हो, कोई डाउट है तो मैं पूछ सकते हो कदे भी। नेक्स्ट आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये तो सीगा जी एडिशन ते सबट्रैक्शन करनी होवे मैट्रिक्स दी, वो तुसी किवें करोगे। हुण आपां जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दे बारे डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की हुंदा है, एडिशन सबट्रैक्शन कर चुके हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो एक डिफरेंट मैथड है एडिशन ते सबट्रैक्शन नालों। हुण एक ध्यान देने वाली इत्थे गल है कि जदों तुसी कोई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो तुसी पहला नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स दे चेक करने ने। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उदों ही पॉसिबल हो सकती है जदों तुसी पहली मैट्रिक्स दे कॉलम, जिहड़ी पहली मैट्रिक्स होगी उस दे कॉलम नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड कॉलम दे बराबर होणगे, उदों ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो मैं लिखा होया है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है, उस दे विच ए आई जे एलीमेंट्स, बी इक्वल टू बी जे के, बी दा टू मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर देखो जी एम इंटू एन है, तो दूसरी जी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है एन इंटू पी टाइप्स रिस्पैक्टिवली। दैट इज एदा मतलब है ए एम इंडिकेट करता है जी रो नू, ते एन इंडिकेट करता है इतने कॉलम नू, इतने एन इंडिकेट करता है कॉलम नू, सॉरी रो नू, ते पी इंडिकेट करता है कॉलम नू। जदों पहली मैट्रिक्स ते कॉलम, आ देखो लिखे मैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ए मैट्रिक्स दे इज द सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब जदों ये कॉलम ते रो दोने बराबर होणगे उदों मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, एक नवी मैट्रिक्स बनूगी सी, उस दे विच की होगा जी ए आई जे इंटू बी जे के। हुण कुछ गल्लां नोट करन वालियां ने इत्थे, जिस तरह मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव सी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, पर जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स दी वो की है जी कम्यूटेटिव नहीं है, मीन ए बी ए दे बराबर कदे भी नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोशिएटिव, एसोशिएटिव नुसी किवें लिख सकते हो, मीन ए इंटू बी कर रहे हो तुसी पहला दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, फिर जो उन्हों का जो रिजल्ट आ रहा उसनों सी नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो किस दे बराबर होगा ए इंटू बी सी, ये ट्रू है जी। लैफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब लैफ्ट साइड में तुसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मैट्रिक्स में, आ देखो ए बी प्लस सी, इसनों एवं लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। उस तो बाद है अडमटेंट ला, अडमटेंट ला की होंगे है कोई स्केयर मैट्रिक्स होगी, मीन जिस दे विच नंबर ऑफ रोज़ ते कॉलम बराबर होणगे सच दैट ए स्केयर इक्वल टू ए, कि जड़ी मैट्रिक्स तुहानू दित्ती होगी जदों तुसी उसका स्केयर करोगे वह उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसनों वो मैट्रिक्स कि होगी अडमटेंट मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अडमटेंट मैट्रिक्स। दूसरी जो है डेफिनेशन निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स केड़ी होगी, स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निल पोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम सच दैट ए रेस टू पावर एम इक्वल टू ओ। निल निल मतलब जीरो, नाम तो इंडिकेट हो रहा है निल मतलब नल जीरो, जदों एम दी ए जदों कोई तुहानू ए कोई स्केयर मैट्रिक्स दित्ती होगी उसनों तुसी की करोगे पहला पहला
ए दी पावर 1 दिती हुई है, फिर तुसी स्केयर करके देखोगे, फिर क्यूब, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जेड़ी भी वैल्यू जदों ओदे बराबर आ जाए, मीन ओ सारी मैट्रिक्स थोड़ी जीरो बन जाए, उदों तुहाडे कोल मैट्रिक्स जिहड़ी होगी निल पोटेंट मैट्रिक्स, उसनू कहोंगे। उस तो बाद है जी इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इनवोलेटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जदों तुसी ए दा स्केयर करोगे, जिहड़ी मैट्रिक्स तुहानू दिती होगी जदों तुसी उसका स्केयर करोगे वो आइडेंटिटी दे बराबर आवे। जदों किसी मैट्रिक्स दा आपां स्केयर करांगे उदों वो आइडेंटिटी दे बराबर आवे, उस नूं इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहोंगे। इन मतलब आइडेंटिटी, आई एन तो याद रखना है तुसी, आई एन मतलब आइडेंटिटी, ठीक है जी। इनवोलेटरी मतलब जदों स्केयर करोगे मैट्रिक्स दा वो आई दे बराबर आवेगा, तां उस नूं तुसी इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहोंगे। तां जदों तुसी मैट्रिक्स करनी है, गल्लां ध्यान रखनियां ने, ये बेसिक गल्लां ने। इस दियां जो एग्जांपल्स ने वो आपां नेक्स्ट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तां होप के तुहानूं चंगी तरह समझ आ रहा है। जे कोई डाउट है तां प्लीज़ पुछो मैनू, फोन करो, कदों कदों मर्जी फोन कर सकदे हो तुसी। ते ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो देखने वास्ते प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। जे तुहानूं कुछ समझ नहीं आ रहा तां कमेंट जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।